नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। अब ऐसा करो, एक एक करके आओ ले जा। ये तो करेगी अपनी बात का है, वही वही पकड़ने। इसका मतलब ये है कि तुम्हें अभी भी शरीर का भास है। देखो भाई, अब आप लोग विचार करना, ये क्षीर हरण भगवान ने कोई इस चुनरिया का हरण नहीं किया। अगर सही मायने में इसको आप आध्यात्मिक रूप देखेंगे इस कथा का, तो भगवान ने वासना रूपी क्षीर का हरण किया है इस शरीर का। तीन शरीर है, ये जो है पांच तत्व से ये स्थूल शरीर है। भगवान ने इस वासना रूपी शरीर का हरण किया है भगवान। लेकिन लोगों ने यहाँ बड़ी उंगलियां उठा दी है, तो बहुत पैसों हो, लड़कियों की साड़ी चुरा ले गए। अरे भाई, ये आध्यात्मिक कथा है भगवान की। क्यों वासना हटाई भगवान ने? क्यों? क्योंकि आगे महाराज करना है, और महाराज में भूल जा सकता है। प्यारे, जिसने इंद्रियां रोक ली है और जिसने वासना जहां से हट गई है, तभी महाराज में प्रवेश होता है। आज भगवान ने स्थूल शरीर का वासना रूपी चीर का हरण किया है, न कि चुनरिया को। कबीर दास जी ने तो बड़ा सुंदर पद लिखा है यहाँ पर चीर हरण पे। आप गौर से, समय तो बहुत हो गया, थोड़ा सा मैं पुट डाल रहा हूं, आप गौर से सुनना हो सब। ₹50 का पुरस्कार आया है अखिल यादव जी का, सनौप श्री रामू जी उनके सुपुत्र साहब है ये अखिल भाई। भगवान से प्रार्थना करते हैं कल्याणी नरेश, आप ऐसे ही धर्म पथ पर अग्रसर होते रहो अखिल भैया, यही आशा विलासा है। बड़ा अच्छा पद लिखा है चीर हरण पे। अब ऐसे आप समझ जाओगे कि चीर हरण है क्या चीज, इसी गाने से ही आप। Yeah, that's
सुरत को भरना भरना जानते हो हम तो भतिया बोलते हैं भतिया फिर भाई ऐसे बहुत अच्छा ये भरना है तो भरना काय को निरत को और सुरत को और आगे इतने दाग लगाए थे जा चुनरिया में प्यारे अब जाए धोगे कैसे जो उपाय बताओ है तो द्वारों ने क्या अरे क्या